तो क्या भारत का संविधान कॉपी पेस्टेड है? क्या भारत का संविधान नकल है अंग्रेजी संविधान की? क्या अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए भारत का संविधान रचा और उसमें बाबा साहब की मुहर लगाकर हम सब पर थोप दिया? सभी को नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है सत्यम श्रीवास्तव और स्वागत है आपका सत्तू टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अब भारत का संविधान कॉपी पेस्टेड है या नहीं है, इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। पर एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस होने वाला है। भारतीय संविधान के बारे में आज जो भी आप जानते हैं आपके नॉलेज में उसमें कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होगा। तो भारत का संविधान भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको रचने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था, जिसको एक्सेप्ट किया था संविधान समिति ने 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान को बनाने में जो कुल खर्च भारतीय सरकार का लगा था उस टाइम पे वो 64 लाख का लगा था, और इसको रचने की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, जिसके जो टीम लीडर थे, जो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। हालांकि इस प्रारूप समिति को सिर्फ बी आर अम्बेडकर ही नहीं चला रहे थे, इसमें 7 और लोग थे। इसमें आपके गोपाल स्वामी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी भी थे, एन माधव राव भी थे, सदाउल्ला भी थे, बी एल मित्तल भी थे। प्रारूप समिति के लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारत की संस्कृति के आधार पर, भारत की जो उस टाइम पे अवस्था थी उसके आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन रचने के लिए दुनिया के जो विकासशील देश थे उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी राज्य व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनके अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, एक बहुत लंबा अध्ययन किया, और उसके बाद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई। जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में रचा गया, शुरुआती दौर में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। आज की यदि बात करें, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं, ठीक है, जिनकी जगह बदली की गई, जैसे प्रॉपर्टी का राइट हो गया आपका। तो आज के टाइम पे भारतीय संविधान में 25 पार्ट्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ भारतीय संविधान के बारे में यहाँ से नया पता चला ही होगा। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, क्या भारत का संविधान कॉपी पेस्टेड है बाहर के संविधानों से? एक उदाहरण देता हूँ मैं। अमेरिका में सभी लोगों को पढ़ने का समान अधिकार है, सभी लोगों के पास वहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है। भारत में भी सभी के पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? तो यदि भारत में हम अपनाते हैं कि सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अमेरिका को कॉपी कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने इंस्पिरेशन वहाँ से ले ली कि हाँ, उस देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है। भारत में पहले शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, एक विशेष वर्ग यहाँ पर पढ़ा करता था और वही विशेष वर्ग नौकरी किया करता था और वही विशेष वर्ग सारी राजस्व व्यवस्था पे कंट्रोल रखता था, सारी प्रकार की संपत्ति पे कंट्रोल रखता था। पर आज सबके पास पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो क्या ये कोई बुरी चीज़ है? आप कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। अब मैं कहूँ कि ऐसी ही बातों को हमने अपने संविधान में एक्सेप्ट किया है, दूसरे देशों से इंस्पायर हो गए, तो क्या ये कॉपी करना कहलाएगा? जवाब सोच समझ के दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, कॉपी करना बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? यदि कोई पॉलिसी, यदि कुछ बातें किसी और देश में अच्छी हैं, किसी और देश में सही से इम्प्लीमेंट हो पाई हैं, किसी और देश में बहुत ही अच्छे प्रकार से लागू हो रही हैं और उस देश का उस पॉलिसी से विकास हुआ है, तो यदि हम अपने देश में उस चीज़ को लागू करते तो क्या हमारा विकास नहीं होगा? और क्या ये चीज़ कॉपी करना कहलाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। तो इसी तरह हमारे जो नेतागण थे, हमारे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने बहुत लंबा अभ्यास अध्ययन किया बहुत सारे देशों के संविधानों का। उनमें से कुछ 10 देश ऐसे चुने जिनके संविधान उनको वाकई बहुत पसंद आए और उन्होंने उनमें से कुछ बातें जो उनकी बेस्ट बातें थी उसको एडॉप्ट कर लिया, इंस्पायर हुए उससे कि इसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में से होना चाहिए, ताकि हमारे भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कर सके और भारत को वो शोहरत, वो नाम दिला सके जो उसको कभी पास्ट में मिला था, विश्व गुरु और विश्व अखंड भारत का टाइटल। तो एडॉप्शन की ही बात करें, क्या क्या हम लोगों ने अडॉप्ट किया दूसरे संविधानों से? तो यदि हम अमेरिका, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री है, एक पूंजीवादी कंट्री है, उससे हमने क्या अडॉप्ट किया है?
हमने सबसे पहले वहाँ से मौलिक अधिकार अडॉप्ट किए, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की क्योंकि हमें लगा कि हमारे देश में भी होना चाहिए। वहाँ से हमने न्यायिक समीक्षा ली, राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जाता है ये सारी चीज़ें ली, ठीक, उपराष्ट्रपति की अवधारणा ली कि उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। फिर इसी तरह हमने USSR जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ से हमने 5-year प्लान्स ली, यानी पंचवर्षीय योजनाएं ली, देश का विकास करने के लिए हम 5-5 साल की नीतियाँ बनाएंगे कि 5 साल पहले हम सोचेंगे कि हमें क्या क्या देश में विकास करना है और 5 साल हम उसमें जुट के काम करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे कि हमने कितना अचीवमेंट किया, ठीक है। साथ साथ हमने मौलिक कर्तव्य भी हमने सोवियत संघ से उठाया कि मौलिक कर्तव्य यानी प्रत्येक व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसी तरह हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से संघीय ढांचा लिया कि किस प्रकार से जो हमारे राजनीतिक तंत्र वो कार्य करेगा, किस प्रकार से लोकसभा कार्य करेगी, किस प्रकार से राज्यसभा कार्य करेगी, कैसे लोग चुनकर आएंगे, यदि कोई कानून बनाना होगा तो वो लोग कैसे बातें करेंगे, कितना वोट प्रतिशत चाहिए उसके लिए, तो ये सारी बातें हमने ब्रिटिश के संविधान से ली। अब आप सपोज कीजिए कि आज कोई नीति बहुत अच्छी है पर आने वाले 10 साल बाद वो नीति आउटडेटेड हो गई, तो क्या हम उस चीज़ को अपने संविधान से हटा सकते हैं? आंसर है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हटा सकते हैं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, नई नीतियों को अडॉप्ट किया जा सकता है, पुरानी नीतियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये अवधारणा हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। आप जो देश धार्मिक ग्रंथों से चलते हैं, जो देश मोनार्की से चलते हैं या राजतंत्र से चलते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो धर्मशास्त्र, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। आपने बदलाव करने की चेष्टा भी की तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आपको लूला लंगड़ा बना दिया जाएगा। मगर भारतीय संविधान आपको ये आज़ादी देता है कि आने वाले समय में यदि कोई चीज़ आउटडेटेड होती तो आप उसको वैनिश कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग बातों को लिया, आप यहाँ लाइन से देख सकते हैं, एक पूरा चार्ट है, आप आराम से इसको रोक कर पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जो दुनिया के उस समय के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे, बेस्ट नीति थी, उन नीतियों का निचोड़ लिया गया और भारत में उस चीज़ को अप्लाई किया गया कि भारत के लोग अपने फुल पोटेंशियल से भारत को आगे बढ़ा सके, हमारा भारत दुनिया में सबके साथ कंधा मिला के आगे बढ़ सके। भारत दूसरी कंट्रीज की तरह नहीं है, भारत जैसे देश को चलाना बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ पर विविध संप्रदाय, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग बोली वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान वाले लोग रहते हैं, इतनी ज़्यादा जहाँ पर विविधता हो उस देश को एक सूत्र में बांधना बहुत बड़ा कार्य है भाई साहब। यही हम कभी नहीं कर पाए, तभी तो हमारा देश 1000 साल से ज़्यादा गुलाम रहा। मुग़ल आके हम पे शासन करके चले गए, पुर्तगाली करके चले गए, फिर अंग्रेज़ आके हमें मार के चले गए, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, कोई एक संघीय शक्ति थी ही नहीं जो भारत को डिफेंड कर सके, हम कभी एक थे ही नहीं। आज हम एक बने हैं, हमारा भारत देश इतना विकास कर रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। एक चाय वाला भी उठ के भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो इसका कारण है भारत का संविधान। समझ में आ रही बात आपको? तो ये सारी शक्तियां, ये सारा विकास हमें कहीं और से नहीं मिला, कहीं ऊपर से नहीं टपका, ये भारत के संविधान से हमें मिला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर और प्रारूप समिति के सदस्यों की मेहनत की वजह से हमें मिला है, ये हमारे लीडर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मेहनत की वजह से हमें मिला है, ये ऐवे नहीं मिला हुआ है। हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं और बहुत ही हमें इस चीज़ के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए कि हमें इतनी सारी चीज़ें मिली और इस भारत भूमि में हमें रहने का मौका मिला, इसके लिए हमें बहुत ही आभारी रहना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप खुद ये तय कीजिए कि भारत का संविधान कॉपी पेस्टेड है या नहीं। आपको भारतीय होने पर आज ज़रूर गर्व हो रहा होगा मेरी तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।